मम्मा, रोज तो मैं आपके और पापा के साथ ही टाइम स्पेंड करती हूँ ना, एक दिन मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ भी टाइम स्पेंड कर लेने दो। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहाँ भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ पूजा और आप सुन रहे हैं मुझे और मेरे को-होस्ट दिलीप को द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट पर। दोस्तों, हम अपने बच्चों की परवरिश में कई बार इतने खो जाते हैं कि हमें लगने लगता है कि उनकी जिंदगी में हमारे अलावा और कोई नहीं। इनफैक्ट हम ये चाहने लगते हैं कि हमारे अलावा उनकी जिंदगी में कोई और हो ही ना। Yeah, and we become so possessive about our kids that we do not want to let them go anywhere. We want them to be with us always. सही कहा दिलीप, पर ये सोचने और करने में हम कई बार ये भूल जाते हैं कि हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं और उनका नजरिया और सोचने का दायरा भी बढ़ रहा है, और जब ये दायरा बढ़ता है तो वो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो उनके जैसे सोचते हो। And that's when friends walk into their lives. दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही हमारी बेटी ने हमसे आकर कहा कि उसके स्कूल में एक ओवरनाइट कैंप है और वो उसमें जाना चाहती है। हमने पहले तो मना कर दिया, जब वो नहीं मान रही थी तो हमने इमोशनली ब्लैकमेल किया ये कहते हुए कि क्या तुम्हें पापा और मम्मा नहीं चाहिए। इस पर उसका जवाब था कि रोज तो मैं आपके और पापा के साथ ही रहती हूँ ना, एक दिन मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ भी रहने दो। और हमें पहली बार एहसास हुआ कि हमारी बेटी बड़ी हो रही है। दोस्तों, एज पेरेंट्स हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि कब तक हमें अपने बच्चों के गार्डियन बने रहना चाहिए और कब उनके फ्रेंड्स बनना चाहिए। अगर हम ये वक्त रहते समझ नहीं पाए तो कॉन्फ्लिक्ट्स होने लाजमी है, और अगर कॉन्फ्लिक्ट्स हुए तो हम हमारे बच्चों को हमेशा से खो देंगे। तो दोस्तों, अपने बच्चों को समझाइए मत, उन्हें समझिए, उनकी जरूरतों को समझिए, उनके बढ़ते दायरों को समझिए और उसके अनुरूप अपने आप को ढालिए, तभी आपके बच्चे आपके रहेंगे और आप एक अच्छे माता पिता बनेंगे। That is right. So, let us understand our kids more than making them understand us. And that is the only way we'll be able to become better parents. So, on that note, I think we can get on to this week's recipe, Pooja. That's true, Dilip. So, Dilip, आज की रेसिपी आपको तो पता ही है कि हम क्या बनाने जा रहे हैं? हम जमैकन से कुछ बनाने वाले हैं। Exactly, हम जमैकन की रेसिपी बनाने जा रहे हैं जो कि बेसिकली केरला में बनाई जाती है और ये सद्या वगैरह में सर्व किया जाता है। हालांकि इस रेसिपी को आप कभी भी बना सकते हैं और बहुत आसान सी सब्जी होती है। इसमें बस कोकोनट का इस्तेमाल जो किया जाता है, जो कि बहुत ही मेन होता है। तो चलो बनाते हैं फिर जमैकन की सब्जी। Yeah, let us look at the ingredients for this recipe then. इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो है चाहिए होगा वो है जमैकन, जो कि हम तकरीबन 500 ग्राम ले लेंगे, जिसे हम छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेंगे। और उसके बाद हमें चाहिए होंगे नारियल, जो कि एक कप लेंगे, उसे हम कद्दूकस कर लेंगे। फिर हमें चाहिए होंगे एक प्याज, जिसे हमें बारीक काटना है, और हरी मिर्ची, उसे भी हम बारीक काट लेंगे। उड़द दाल जो है हम लेंगे 2 टीस्पून, राई जो है 1 टीस्पून ले लेंगे, और जो सूखी लाल मिर्च होती है वो हम तकरीबन 2 से 3 ले लेंगे, करी पत्ता थोड़े से ले लेंगे, नमक स्वाद अनुसार, और कोकोनट ऑयल 2 टीस्पून। जी हाँ दोस्तों, इसमें अगर आप कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करेंगे तो ये ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा, पर अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल तेल भी यूज़ कर सकते हैं। So, on to the ingredients for this recipe. We'll need yam or elephant's foot, about 500 grams. That is about 2 cups when you cut them into small cubes. You'll need coconut, about 1 cup grated. Onion, 1 finely chopped. Green chilies, about 2 to 3 chopped. Urad dal, 2 teaspoon. Mustard seeds, 1 teaspoon. Red chili, 2. Curry leaves, 1 sprig. Salt,
to taste, and coconut oil about 2 teaspoons. You can use any other oil if you prefer, but with coconut oil it tastes better. तो फिर चले बनाते हैं जमीकंद की रेसिपी. जमीकंद की रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि जमीकंद का जो छिलका होता है वो हम निकाल लेंगे और उसके बाद हम उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और उसके बाद हम इसे अच्छे से 3-4 पानी से धोएंगे. और धोने के बाद हमें क्या करना है कि एक पतीला लेना है, उसमें हम पानी और नमक डालेंगे और जमीकंद डाल देंगे और उसे हम कुछ देर तक पकाएंगे जब तक कि जमीकंद जो है हमारा वो सॉफ्ट ना हो जाए. उसके बाद जो एक्सेस पानी है पकने के बाद हम उसे निकाल लेंगे और जमीकंद को हम साइड में रखेंगे. तब तक हम क्या करेंगे कि एक पैन लेंगे, उसमें हम तेल गरम करेंगे और उसमें हम डालेंगे राई और जब राई फटने लग जाए तब उसमें हम डालेंगे उड़द दाल, सूखी लाल मिर्च और करी पत्ता. उसके बाद इसमें डालें बारीक कटे हुए प्याज, हरी मिर्ची और सॉटे करें इसे अच्छे तरीके से. और उसके बाद जब आप देखेंगे कि प्याज जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए तब हम उसमें डालेंगे जमीकंद और इन सारी चीजों को मिक्स करेंगे. So first of all, remove the skin of the yam and cut it into small cube-sized pieces and wash it in water for about 3-4 times. Then cook the yam with some water and salt until it becomes soft. You can then strain the excess water and set it aside. Just ensure that you don't overcook the yam. Then heat oil in a pan, add mustard seeds to it, and when the mustard seeds start spluttering, add the urad dal, the dried red chilies and the curry leaves to it. Then add the chopped onion, green chilies and saute them well. When the onion gets a little translucent, add the yam and mix them well. तो फिर अब बारी है इसमें डालने की सबसे मेन इंग्रेडिएंट इस रेसिपी की जो है कोकोनट. और इसमें हम कोकोनट डालेंगे और तकरीबन हम 2-3 मिनट तक इसे कवर करके पकाएंगे. और आप ध्यान रखें कि आंच को बिल्कुल मध्यम ही रखें. और उसके बाद जब 2-3 मिनट हो जाए तब हम इसे ओपन करेंगे और हम इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे. तो बस लीजिए, हो गया तैयार हमारा साधारण सा जमीकंद का रेसिपी. और फिर इसे सर्व करें चावल सांबर के साथ या फिर चावल रसम के साथ. इनफैक्ट आप इसे दाल चावल के साथ भी ट्राई कर सकते हैं. So finally, add the grated coconut, which is one of the most important ingredients in this recipe. Add the grated coconut to the mixture and give it a nice mix. Then cover the pan for about 2-3 minutes and cook in medium flame. Then open the pan and give everything a nice mix. Your yam recipe is ready to be served. You can serve it as a side dish with rice and sambar or rice and rasam, or you can even serve it with rice and dal. It tastes awesome. दोस्तों वैसे आपको पता होगा कि जमीकंद जो है जनरली वेजिटेरियन वालों के लिए नॉन वेजिटेरियन माना जाता है क्योंकि इसके इस रेसिपी को बनाने के कुछ और ऐसे तरीके हैं जो कि बिल्कुल टेस्ट में जो है बिल्कुल नॉन वेज आपको लगेगा. तो अगर तो आप वेजिटेरियन हैं और आप चाहते हैं कि आपको थोड़ा नॉन वेजिटेरियन वाला टेस्ट आए आपके वेजिटेरियन खानों में, तो आप बस इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें और मैं आपको फिर से एक और रेसिपी आपके सामने लेकर आऊंगी जिसे हम चेना से ही बनाएंगे, जिसे हम जमीकंद भी कहते हैं और क्या कहते हैं मतलब इसे याम, राइट? दैट्स राइट. तो बस आप हमें हमारे साथ इसी तरीके से बने रहें और हमें हम आपको एक और इसकी रेसिपी बताएंगे जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होती है. That's right. That is all that we have in this episode of the Taste of India podcast. Do visit thetasteofindia.com for the show notes, printable recipe card and a lot of other information about this recipe. Do give us a genuine rating and a review on iTunes because your ratings helps in the overall ranking of this show on iTunes. We are available on almost all the podcasting platforms, so whatever is your favorite podcasting platform, you can pick them and listen to the Taste of India podcasts. So that is all that we have for this episode. We'll come back again with another tasty recipe in our next episode. Until then, keep listening to the Taste of India podcast and you all have a good rest of the week.